प्रयागराज जिले की प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक विजमा यादव से जुड़े 22 साल पुराने एक मामले में प्रयागराज की स्पेशल MPMLA कोर्ट फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विजमा यादव को 1.5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 1,00,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट में सजा सुनाने के बाद इस मामले में विजमा यादव को जमानत दे दी है। ये घटना 21 सितंबर 2022 की है। इसमें अभियुक्त गणों पर पुलिस पर जानलेवा हमला, मारपीट करने और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का ही मामला था। बहुत विस्तार में न जा करके आज की तिथि वास्ते निर्णय में नियत थी। आज माननीय न्यायालय MPMLA श्री दिनेश सरस्वती द्वारा अभियुक्ता विजमा यादव को अंतर्गत धारा 147, 341, 504, 332, 353 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषी किया गया। कितनी सजा सुनाई गई है? इसमें धारा 147 में 1 वर्ष 5,000 रुपये जुर्माना और 504 में 1 माह और 500 रुपये जुर्माना और 332 में 349 में 1.5 वर्ष और 5,000 रुपये जुर्माना, 353 में 1 वर्ष का कारावास 5,000 रुपये जुर्माना और 6 माह और 1,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है और 1,00,000 रुपये उनको अर्थदंड से दंडित किया गया है। क्षतिपूर्ति की वो चुटेलों को दिया जाए। अच्छा, इसमें कुल कितनी सजा जो है, अधिकतम कितनी सजा का ऐलान किया गया इसमें और आगे के बाद क्या विकल्प है? अधिकतम सजा तो इसमें 1.5 वर्ष। आगे क्या विकल्प है? क्या जमानत भी मिल गई इनको? अंतरिम जमानत मिल गई यहाँ से? हाँ, इन्होंने अपील करने के लिए समय मांगा है जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 20,000 रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी। अभी अंतरिम बेल मिली है ना, अब ये कोर्ट जाएंगी, यही विकल्प है इनके पास। यूपी के एक और विधायक की विधायकी आज जाते जाते बची है। मामला प्रयागराज के प्रतापपुर से सपा टिकट से निर्वाचित विधायक विजमा यादव का है, जिसे 22 साल के एक पुराने मामले में प्रयागराज की MPMLA की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 1.5 साल की सजा और 1,00,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। बाद में कोर्ट से विजमा यादव को अंतरिम जमानत भी मिल गई है। प्रयागराज के प्रतापपुर से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को प्रयागराज की MPMLA की विशेष अदालत ने 22 साल पुराने एक मामले में दोषी करार दिया है। पुलिस टीम पर हमला करने, आगजनी और हिंसा फैलाने के आरोप में विजमा को दोषी करार देते हुए 1.5 साल की सजा कोर्ट में सुनाई है। कुछ ही इसमें डेथ हो गई थी और 2000 का मामला है। 15 लोगों का ट्रायल चल रहा था जिसमें से 14 लोगों को निर्दोष साबित किया गया है और विजमा जी को एक बंगला पुलिस असेंबली में दोषी पाया गया। उसके लिए कितने कितनी सजाएं दी हैं अभी मैंने जजमेंट नहीं देखा है, लेकिन अधिकतम 1.5 वर्ष तक की सजा है। जुर्माना भी लगाया? हाँ, जुर्माना भी लगाया। अच्छा, जो सजा और जुर्माना मैंने पढ़ा नहीं। ओके सर, जो सजा और जुर्माना विधायक जी पे लगाया गया, इसके खिलाफ आप लोग आगे अपील करेंगे? अपील हाई कोर्ट में करेंगे। क्या मांग रहे थे आप? अपील करेंगे, जजमेंट पूरा अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। चैलेंज करेंगे। जमानत भी मिल गई है? हाँ, जमानत भी मिल गई है और 389(3) में प्राविधान है इंटरिम जेल का। 3 साल तक की सजा के अंदर अगर कोई सजा होती है और पहले से जमानत पर रहे हैं तो उन मामलों में सजा का प्रावधान है और ड्यूरिंग ट्रायल यदि अपने बेल का कोई मिस यूज नहीं किया। ठीक, नाम बता दीजिए। ललन सिंह यादव। दरअसल ये पूरा मामला 21 सितंबर 2000 का है, जिसमें सहसो चौकी के पास दिन में 2 बजे सड़क दुर्घटना में 7 साल के आनंद उर्फ छोटू की मौत के बाद हिंसा भड़की थी। हिंसक भीड़ ने सड़क जाम असलहे लहराए थे, पथराव और आगजनी भी हुई थी। मामले में उस समय तैनात इंस्पेक्टर ने बयान दिया था कि विजमा यादव ने ही भीड़ को उकसाया था।